राम राम जी सारे आने। आज हमारे पास 40,000 के बजट में अति उत्तम लैपटॉप एंड द लैपटॉप इज एसर 114 परफेक्ट बिल्ड सुपर डिस्प्ले टाइप सी चार्जिंग एंड बैकलिट कीबोर्ड विद मैकबुक फिल और भी बहुत कुछ है यार, पहले डब्बा खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये है एसर 114 का बॉक्स एंड सबसे अच्छी चीज ये है मेड इन इंडिया पौंडीचेरी में बनाया यार। तो ये हमारा लैपटॉप निकल जाता है सफेद थैली में लिपटा हुआ। UPSC की स्टडी मटेरियल बिल्कुल सील पैक्ड है, हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे यार। देखो भाई इस बार टॉप लिड को भी बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है। 65 वॉट का AC अडाप्टर विद द पतली पिन एंड पावर कॉर्ड भी है यार एंड ये कुछ एक्स्ट्रा स्क्रूज देखने को मिलता है। सो देखो यार, अगर आप दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली विजिट जेनेक्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर वर्ल्ड। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप डेस्कटॉप ऑल इन वन PC एंड सभी IT इक्विपमेंट एकदम ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। एंड मजे की बात, वहां पर लेनोवो एंड एसर का एक्सक्लूसिव स्टोर है। सो आपको वैरायटी ऑफ रेंजेस देखने को मिल जाएगा एट जेनेक्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर वर्ल्ड। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर है, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट देम। देखो यार, एसर का 114 ना PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, दैट मींस पॉलीकार्बोनेट एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइल। टॉप लिड में आपको एसर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है एंड टॉप लिड फ्लेक्स वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं। बैक पैनल में बड़े बड़े छेद दिए गए हैं फॉर द एयर इनटेक एंड बहुत से रबर पैडिंग दिया गया है टू प्रोटेक्ट योर लैपटॉप फ्रॉम द स्क्रैचेस। देखो यार, ये लैपटॉप 14 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है, दैट्स व्हाई इसका वेट काफी ज्यादा कम है, ओनली 1.5 किलोग्राम। बट वन ड्रॉबैक इज दैट ये लैपटॉप 1 inch से ओपन नहीं होता है। बट उससे भी अच्छी चीज, सीधा 180 डिग्री का फ्लैट हिंज, जो काफी सुपर चीज है दोस्तों, इंस्पायर्ड बाय यीशु। अच्छा, और दोस्तों ये लैपटॉप का हिंज काफी ज्यादा स्टर्डी एंड स्मूथ है यार। ऊपर से 180 डिग्री का फ्लैट हिंज है तो लग रहा है बिल्कुल ग्रीस वगैरह डाल दिया गया, इतना स्मूथ है। और इतना अच्छा है तो स्क्रीन वॉबलिंग बिल्कुल जीरो। सो ऐसा कुछ दिख जाता है लैपटॉप अंदर से। वर्टिकल बेजल्स तो काफी ज्यादा थीन है, हॉरिजॉन्टल बेजल आपको थोड़ा मोटे लग सकते हैं क्योंकि प्राइवेसी शटर भी दिया गया है एंड रबर पैडिंग की भरमार है यार, मतलब आपका डिस्प्ले बिल्कुल सुरक्षित रहे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ स्क्रैचेस। और भाई साहब इसका कीबोर्ड क्या ही बोलूं, बिल्कुल मैकबुक वाला फील। टैंकीलेस बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड टैंकी इसका मतलब होता है कीबोर्ड विदाउट नंपैड। और F9 बटन प्रेस करके आप बैकलाइट कंट्रोल कर पाएंगे, 2 लेवल का ब्राइटनेस देखने को मिलता है। और भाई साहब कीबोर्ड की कीज वेल स्पेस्ड है, की ट्रैवल भी काफी धमाकेदार है। मैंने यहाँ पर टाइपिंग वगैरह करके देखा, ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सुपर रहा और कीज के टच एंड फील एकदम मैकबुक जैसा यार। और एक चीज मेरे को काफी अच्छा लगा, डॉलर के साथ साथ यहाँ पर रुपए भी दिया गया है, दैट मीन्स हमारा इंडियन रूपी डॉलर को जरूर टक्कर देगा, मेड इन भारत। दोस्तों ये 14 इंच का लैपटॉप है, उसके बावजूद ट्रैकपैड का साइज काफी धमाकेदार है। फुली क्लिकेबल ट्रैकपैड है, विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्टर्स सपोर्टेबल है। और डिस्प्ले के जस्ट नीचे आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है, यहाँ से लैपटॉप हवा छोड़ेगा, जरूरी है भाई सबके लिए कुछ भी। सो कर लेते हैं ये लैपटॉप का बूट टेस्ट। 40,000 के अंडर जितने भी लैपटॉप आते हैं वहां पर हमको डिस्प्ले से कम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, लेकिन ये लैपटॉप पर डिस्प्ले काफी धमाकेदार है यार। 14 इंच का फुल HD IPS पैनल का डिस्प्ले दिया गया विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग, 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC का कलर गैमेट एंड रिफ्रेश रेट इज 60Hz। और ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफी धमाकेदार है ड्यू टू द IPS पैनल। एंड IPS पैनल में आप कहीं से भी देख लो, साइड से देख लो, आगे से देख लो, पीछे से नहीं भाई, ओवरऑल अच्छा ही रहता है डिस्प्ले क्वालिटी। और IPS पैनल में आपको कोई भी कलर देखने नहीं मिलता विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। सो आप स्टडी पर्पस, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या इवन कंटेंट कंज्यूम करने के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, देन दिस माइट बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू ड्यू टू द IPS पैनल। स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, आपको एकदम क्रिस्प एंड क्लियर साउंड ये डिलीवर करेगा। एंड रियल टेक के ऑडियो कंसोल में जाके आप डिफरेंट इक्वलाइजेशन मोड एक्सपीरियंस कर पाएंगे, लाइक जैज, पॉप, लाइव एंड मैनी मोर। एंड यहाँ पर मैंने मूवीज के ट्रेलर वगैरह भी देखे यार, ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। एंड आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो सच स्पीकर के आउटपुट में कोई भी दिक्कत नहीं है। भाई साहब एसर वाले तो काफी कमाल ही कर रहे हैं, 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है विद द प्राइवेसी शटर एंड नॉइस कैंसिलेशन। दैट्स ग्रेट थिंग यार कि 2023 के बजट लैपटॉप में भी हमको नॉइस कैंसिलेशन का फीचर देखने को मिलता है। सॉरी दोस्तों, ये है एसर 114 का वेबकैम क्वालिटी, क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट लग रहा है। एंड आप लोग बताइएगा माइक कितने इफेक्टिवली वर्क कर रहा है एंड प्राइवेसी शटर भी दिया गया है, यहां से आप गायब हो पाएंगे। अब मेड इन भारत है तो यहाँ पर सभी पोर्ट्स दे दिया गया है। बहुत लोगों को कंप्लेन रहता है ये पोर्ट नहीं है, वो पोर्ट नहीं है, भले वो यूज करे या ना करे। एक DC इन, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट, 5 GB/s का डेटा ट्रांसफर रेट है, एक HDMI, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट एंड मजे की बात 5 GB/s का डेटा ट्रांसफर रेट है एंड टाइप सी चार्जिंग भी सपोर्टेबल है। दैट्स ग्रेट थिंग। 39,000 के बजट में कौन सा ऐसा ब्रांड है जो ये सब प्रोवाइड करता है? एसर। एक सिक्योरिटी स्लॉट,
अगर आपके लैपटॉप को चोरी से बचाना है देन यू कैन यूज दिस। एक 3.5 mm का हेडफोन और माइक्रोफोन कॉम्बो जैक, एक RJ45 पोर्ट, अगेन एक USB 3.2 जेन्युइन टाइप ए पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट एंड एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। मतलब पोर्ट्स के मामले में नो कमी, जितने भी पोर्ट्स पॉसिबल हैं सभी ये लैपटॉप में भर के दे दिए गए हैं। सो इट्स टाइम फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस Acer 114 लैपटॉप। i5 11th gen का प्रोसेसर दिया गया है एंड वेरिएंट इज i5 1155G7। टोटल 4 कोर है एंड 8 थ्रेड यार। लेवल 3 कैसे मेमोरी है 8 MB। एंड बेंचमार्क वाले सेक्शन में देखेंगे इसके एक्चुअल परफॉर्मेंस। 8GB DDR4 3200 MHz का सिंगल चैनल रैम दिया गया है एंड मजे की बात ये लैपटॉप में आप 32GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे। 512GB का PCIe NVMe M.2 Gen 3 SSD देखने को मिलता है एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी धमाकेदार है। 3191 MBPS का रीड स्पीड एंड राइट स्पीड इज 2954। Intel Iris Xe का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद द 3.9GB शेयर्ड GPU मेमोरी। और गेमिंग वाले सेक्शन में देखेंगे इसका ग्राफिक्स टेस्ट। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर Wi-Fi 6 दिया गया है बिल्कुल लेटेस्ट एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.0। एंड दोस्तों ये लैपटॉप का 2 वेरिएंट आता है, एक नॉन MS ऑफिस वाला, एक MS ऑफिस वाला एंड वही विंडोज 11 होम एंड सिंगल लैंग्वेज का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। सो इट्स टाइम फॉर शक्ति प्रदर्शन ऑफ दिस बजट बीस्ट Acer 114। Cinebench i23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1290 points एंड मल्टी कोर स्कोर इज 3402। Geekbench 5 में 1850 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 3811। वही OpenCL स्कोर निकल के आया 9905 जो ग्राफिकल परफॉर्मेंस बताता है। एंड यहाँ पर आप ग्राफ देख पाएंगे टू कंपेयर दिस प्रोसेसर विद अदर प्रोसेसर। और 3D Mark 10 टाइम स्पाई स्कोर भी काफी धमाकेदार रहा, दैट इज 964। एंड PC Mark 10 में स्कोर निकल के आया 3896 जो लैपटॉप का सभी चीज खंगाल लेता है। एंड दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro। 1 मिनट का फाइल था फुल HD फुटेज फ्रॉम माय Canon M50 Mark II कैमरा एंड ये 1 मिनट के फाइल को 2 मिनट में रेंडर कर दिया। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है एंड आराम से लैपटॉप में आप फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग तो कर ही पाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग वो भी हो जाएगा क्योंकि IPS पैनल का डिस्प्ले है, सो आपको कलर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड आपको एकदम 100% sRGB वाला डिस्प्ले चाहिए देन यू कैन गो विद द Xiaomi Mi Notebook Pro जो मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है। और कोडिंग, स्टडी, मल्टीटास्किंग, वर्क के लिए ये लैपटॉप काफी ज्यादा धमाकेदार है क्योंकि परफेक्ट पैकेज है ना भाई, सभी चीज एकदम झकास। अब देखो यार इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स है तो यहाँ पर कर लेते हैं गेमिंग टेस्ट। GTA मैंने HD रिजोल्यूशन में प्ले किया एंड नॉर्मल सेटिंग आराम से 45 FPS देखने को मिल रहा था एंड आराम से लैपटॉप में कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 16 W के अराउंड इसका TDP जा रहा था, दैट इज थर्मल डिजाइन पावर। एंड टेम्परेचर भी मेंटेन था, 60°C से ज्यादा नहीं जा रहा था। इन दैट वे आप GTA का फुल लुक उठा पाएंगे। देन नेक्स्ट जब मैंने प्ले किया Valorant इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड लो सेटिंग, आराम से 60 FPS देखने को मिल रहा था। एंड CPU का मैक्स TDP यहाँ पर भी 16 W के अराउंड जा रहा था एंड Valorant बेसिकली CPU इंटेंसिव गेम है, दैट्स वाई आपको बेटर FPS देखने को मिल रहा था इन गुड रिजोल्यूशन। सो आप Valorant भी कैजुअली प्ले कर पाएंगे। यहाँ पर 45.5 Wh का बैटरी देखने को मिलता है एंड बैटरी बैकअप भी जस्ट धमाकेदार है। यहाँ पर मैंने वेब सीरीज देखा, लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट था, आराम से 7 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिला। सो इन दैट वे आप डॉक्यूमेंटेशन वाला टास्क करेंगे तो इजिली 7 to 8 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इन दिस लैपटॉप। मेड इन भारत है तो बैटरी में भी नो कॉम्प्रोमाइज। और वही आपको 65 W का AC अडाप्टर देखने को मिलता है तो आप अपने लैपटॉप को आराम से 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर पाएंगे। और हीटिंग सेटिंग के बारे में बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने गेम वगैरह प्ले किया तो कोई भी ऐसा हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला एंड मैक्सिमम टेम्परेचर वही 61 degrees ही जा रहा था, उससे ज़्यादा नहीं आया। इन दैट वे ये लैपटॉप में कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। और हीट तो सभी लैपटॉप होते हैं जब एकदम हाईली इंटेंसिव टास्क करते हैं, लेकिन फैन रहता है वो कंट्रोल कर देता है। सो आपका 40,000 बजट है, एक रेप्यूटेड ब्रांड का लैपटॉप चाहिए देन यू कैन गो विद द Acer 114। काफ़ी धमाकेदार लैपटॉप है यार। एंड स्टूडेंट परस्पेक्टिव से ये लैपटॉप को इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया गया है और लिटरली ये लैपटॉप में कोई भी कॉन्स नहीं है। बिल्ड क्वालिटी भी काफी धमाकेदार है, सुपर डिस्प्ले क्वालिटी, बैकलाइट कीबोर्ड, टाइप सी चार्जिंग एंड सभी नेसेसरी पोर्ट्स दिया गया है इंक्लूडिंग द RJ45 पोर्ट। और दोस्तों लैपटॉप को बेस्ट बैंक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। एंड ये लैपटॉप को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि विंडोज सेगमेंट में Acer काफी ज्यादा रेप्यूटेड ब्रांड है एंड इसका सर्विस भी काफी अच्छा है इस कंपेयरिंग विद न्यूअर ब्रांड्स लाइक Infinix, Honor या इवन MI। सो आई होप दोस्तों आपको लैपटॉप का डिटेल रिव्यू पसंद आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।